अभी नहीं, आज्ञा लगेगी हम बुला लेंगे। कहाँ से? नागपुर से ही। धैर्य रखें, बड़ी गंभीरता रखें। सीताराम, क्या बात है पूछो। माइक लो पहले आप। कहाँ रहते हो? नागपुर में ही। क्या प्रश्न है पूछो। बिना माइक के? हाँ बिना माइक के बोलो। आप बहुत उपाय तो कर रहे हो लक्ष्मी माता का, बहुत साधना भी तो कर रहे हो। अनवरत चर्चा करें। नकारात्मक शक्तियाँ बहुत परेशान कर रही हैं, पर माँ की कृपा है। बगला मुखी और धूमावती दोनों माँ की आपके ऊपर कृपा है। आप दरबार में कर्ज की समस्या का प्रश्न लेकर आए। लोग छवि खराब करने व मारने की धमकी देते हैं, जिस कारण से हतोत्साहित होकर के आप दरबार में आए। क्या करें? कर्ज चुकाना पड़ेगा। साधना तो करते ही रहो, व्यापार करो, व्यापार में सफल होगे, कर्ज मुक्त होगे। अभी कुछ दिनों के लिए कर्ज लेने वाले जो प्रेशर कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, वो कुछ दिनों के लिए शांत रहेंगे। वह साधना आपकी बगला मुखी और धूमावती की खूब बढ़ेगी। आशीर्वाद है। इसी का तो आदेश नहीं लगा है, जब तो व्यापार का आम है। अच्छा वाह, एक बार अभी तो आप दर्शन करने स्वयं आइएगा, कर्ज मुक्त करवा देंगे और विधि भी एक बतला देंगे। और ये जो इसमें ना पढ़ के व्यापार में पढ़िए, क्योंकि बहुत घूम लिए, बहुत खुद उपाय कर लिए, बहुत आंखें बंद खुद कर ली। बुरा मत मानिएगा, हम आपको डांट इसलिए रहे हैं क्योंकि आप समय बर्बाद कर रहे हो, आप डिप्रेशन में जा रहे हो, आप दरबारों के चक्कर काट रहे हो, आप अपने आप में भी शक्तियों के भी चक्कर काट रहे हो। शक्तियाँ आपको अर्जित किस लिए करनी? इसी के लिए। हमारी भाषा समझ रहे हैं? हम नाराज नहीं हैं, ये भाषा हमारी नहीं है, ये आपकी इष्ट की भाषा है, जो आप बीज मंत्र ओम धूम धूमावती वाली माँ को ध्याते हो, भजते हो। बड़ी विकराल देवी है, गृहस्थ में इनका साधना करना बड़ा वो है। जब सन्यासी को साधना करना ठीक है, गृहस्थ में इनका साधना करना बहुत ऊँची बात है, बहुत सावधानी की बात। बगला मुखी से ज़्यादा 10 महाविद्याओं में धूमावती, ये 10 महाविद्या में धूमावती। और उनका सख्त आदेश है कि आप बार बार एक ही उनको अर्जी लगाते कि गड़ा धन बताओ, गड़ा धन संकेत प्राप्त हो जाए। तो इसमें आपको बहुत कंट्रोल करना है, समझ गए? ऐसे प्रयोग नहीं करना है, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा दूसरे मार्ग में पहुंच जाएंगी। आप करो, करते रहो, दर्शन करना अलग। अच्छा हाँ, हम दतिया गए धूमावती के, नमकीन चढ़ाते हो? हाँ, लेकिन आप थोड़ा सा हमारा बात बुरा मत मानिए, क्योंकि बहुत तीक्ष्ण माँ है वहाँ के। आप दर्शन करो, 10 मिनट के ही तो दर्शन होते हैं,
अद्भुत माँ हैं, बहुत थे, उनसे जो बोलो वो पूरा करो, साधना करते रहो, लेकिन मत करो ये, हम तो यही आज्ञा देंगे। अगर आप हमसे पूछो, फिर आप देखो भारत स्वतंत्र है, आप भी स्वतंत्र हो, हमारे पास तो आप गुरु कृपा लेने आए हैं, हमें जो प्रेरणा लगी हमने आपको संकेत दे दी, उस वाले काम पे, गड़े वाले व्यापार करो। आजकल आदमी यहाँ करें करें तो मिल नहीं रहा हुआ, काम करने वाला यहाँ कितने लोग बैठे जो स्वयं हैरान है। अब अपने राम जी यहाँ बिना करें गड़ो धन कहाँ से मिल जाए, वही धन की बात ही कर बता रहे हैं, वही कैसे मिल जाए, जमीन वालों कैसे मिल जाए बताओ, देख लिया मैं, वही हम कह रहे हैं, वो भी संपत्ति है, धन है, कैसे मिल जाए बताओ। तो अब आप कवच लो धाम से, अपने घर की मिट्टी ले आओ और साधना को आप माँ पीताम्बरा पे टाल दो, डाइवर्टेड कर दो, हाँ डाइवर्टेड कर दो, धूमावती माँ से थोड़ा बैक हो जाओ, वो तो करो ही, पर धूमावती माँ से और डिस्टेंस करो, डिस्टेंस मेंटेन करो गृहस्थ में, जाओ दर्शन हो गए, प्रसाद चढ़ा दिया बस, और डिस्टेंस दूर के, उनका मंथन मनन उनका स्मरण करना चाहिए, माँ हैं लेकिन वो बहुत तीक्ष्ण हैं, उनका प्रयोग तब किया जाता है जब बहुत बड़ा तंत्र, कोई बहुत बड़ी गंदी विद्या हो, बहुत बड़े चक्रव्यूह में फंस गए हो, तो इतना डिस्टेंस आप रखो, ठीक है जी जी। आपने हमारे हमें देखा हुआ, रात को 10 बजे एक बार गए, सुबह एक बार रात को हमने माँ के दर्शन किए लाइन में लगकर, जब अभी कथा चल रही थी, तब की बात है, अभी तो हम गए नहीं, वहीं कथा में गए थे दर्शन माँ के बागेश्वर, जाते रहो धाम, जाते रहो वहाँ भी जाते रहो, पर जो हमने शब्द बोले हैं उनको आप आज से ही, लेकिन धोखा तो दिया लोगों ने ही, तो धोखा दिया उसमें, क्योंकि वो लोगों ने आपको डिस्पोजल बनाया, डिस्पोजल बनाया, पहले बिजनेस करो, कुछ व्यवस्था बनेगी, एक दो प्रॉपर्टी से कुछ अर्निंग होगी, ठीक, क्योंकि अभी बात चल रही है आपकी, अभी बात चल रही है आपकी, एक दो प्रॉपर्टी से अर्निंग होगी, बिजनेस में डालो, शेयर में भी नहीं जाना है, शेयर में भी नहीं जाना है, सिर्फ एक काम पे जिसका नाम हमने अभी लिया, प्रॉपर्टी, खुश हो, खरीदना बेचना, खरीदना बेचना, ये करो आज से ही। अब दूसरी रास्ता पकड़ लो, चालू है, बालाजी सरकार की जय, खुश रहो, सरकार की।